अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखें, इस वीडियो के अंदर आपसे ओवरऑल हंगरी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा कि हंगरी स्कॉलरशिप क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे, और इसके बाद क्या होगा, किस तरह सिलेक्शन होती है, क्या सिलेबस है, टेस्ट पैटर्न क्या है, और इसका मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल हैं कि क्या इसको कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे, ओवरऑल इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, हंगरी स्कॉलरशिप नाम से जाहिर है, हंगरी जो है ये जो है हंगरी है एक यूरोपियन सिटी का नाम, ठीक है। इसका मतलब HSE एक टेस्ट लेता है, ठीक है, टेस्ट लेता है। जिस स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर हो जाता है, आगे बताऊंगा कि क्या क्या पैटर्न है टेस्ट के, और इसी HSE की ही अपने खर्चे पे ये स्टूडेंट हंगरी सिटी में जाता है और अपनी स्टडी स्टार्ट करता है। आसान अल्फाज में कि हंगरी HSE के टेस्ट के बाद आप जब ये क्लियर करते हैं तो हंगरी में आपकी एक एडमिशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्कॉलरशिप पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ आपको वहाँ से पेमेंट भी ये लोग दे देते हैं ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। ये है हंगरी क्या है, नंबर वन। अब बात ये आती है कि हंगरी यूरोपियन सिटी है, इसमें आपको फ्रांस में या यूके में जहाँ पर भी आपका मेरिट बनता है उसके हिसाब से आपको भेज दिया जाता है। उसके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, और आपकी जो भी इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने जाने के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो होना लाजमी है, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या है, मतलब हंगरी के यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ मैं। हंगरीज के जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, हंगरीज की यूनिवर्सिटी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड माना जाता है, ठीक है। मतलब टॉप 20 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड होते हैं ना, वो इन्हीं यूरोपियन सिटीज़ के हैं, ठीक है। हंगरी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, मतलब हंगरी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है। अब उसके बाद ये टेस्ट किस टाइप का होता है, या तो हेड हेड का टेस्ट होता है या होता है यू सेट का, ठीक है, हेड का टेस्ट होता है या फिर यू सेट का होता है। अब हेड वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो के मास्टर डिग्री के लिए दे रहे हो, ठीक है, या फिर PhD लेवल के दे रहे हो। वो मास्टर या PhD के डिग्री के लिए हेड, मतलब वहाँ पढ़ना चाहते हो, स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो वो हेड का टेस्ट देंगे, ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट जो होंगे वो यू सेट का टेस्ट देंगे, ठीक है। इट्स मीन अब जब भी आपके माइंड में आएगा कि भाई हेड के टेस्ट चल रहे हैं, तो इतना समझ लीजिएगा कि वो मास्टर और PhD लेवल के हैं। कोई कहे कि यू सेट के टेस्ट हो रहे हैं, तब समझ जाए कि कहीं ना कहीं ये हंगरी भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गई ये बात है। अब बात आती है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बात तो मैंने बता दिया कि बाकी सब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि प्री मेडिकल, ठीक है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, और इसको FA के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, और FA के स्टूडेंट भी इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, 20% होता है फिजिक्स, ठीक है, 20% होता है केमिस्ट्री, ठीक है, और 40% होता है बायो, ठीक है, बायो होता है, और इसके साथ साथ 20% होता है इंग्लिश, ठीक है। ये हो गई मेडिकल स्टूडेंट की बात। ये हो गए टोटल कितने, 100 मार्क्स। पासिंग मार्क्स है इसका 50%, यानी 50 नंबर, ठीक हो गया। प्री इंजीनियरिंग का सेम यही, 20% फिजिक्स, 20% केमिस्ट्री, और 40% मैथमेटिक्स, ठीक है, और 20% इसका इंग्लिश। अब मज़े की बात यह है कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो टेस्ट हुआ था फाटा बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का, उसमें क्या था कि उसमें इंग्लिश भी जो है ना, इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स का पोर्शन भी था, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा।
एफ ए के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या होगा? एफ ए के स्टूडेंट्स के लिए पार्क स्टडी है, ठीक है, पार्क स्टडी और इसके साथ साथ इंग्लिश। पार्क स्टडी होता है 20%, यानी 20 MCQs, इंग्लिश होता है 35% और मैथमेटिक्स होता है इसमें 25%, ठीक है। और इसके बाद इस्लामिक स्टडी जो है वो होता है 20%। ये है एफ ए के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब इसकी तैयारी कहाँ कैसे करें, सिलेबस कहाँ से लाएं, ठीक है। देखो भाई, पहली बात, इसका जब मैंने आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दिया ना कि आपका प्री मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इट्स मीन कि यही बुक्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है। बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और इंग्लिश। अब यही चीज़ मैं अगर बायो की जगह मैथमेटिक्स लिखूं, ठीक है, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, इट्स मीन मैं बात कर रहा हूँ दोनों पार्ट, यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स दोनों की, ठीक हो गया। अब जो है ना, आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपकी यही अपने ही बुक से हुई होगी, जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, आप जो भी बोर्ड पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान बोर्ड पढ़ रहे हैं, सिंध का पढ़ रहे हैं, अच्छा आप जौन सा भी किताब पढ़ रहे हैं, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपने ये टेस्ट की अनाउंसमेंट की जो मैं बात करूंगा, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, अभी होगा, ठीक है। तो इट्स मीन अनाउंस होगा तो आपको तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब तैयारी आपने कहाँ से करनी है? अगर अनाउंसमेंट टेस्ट का पहले नहीं हुआ, उम्मीद है कि आ जाता है 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के, मतलब 2-3 मंथ के अंदर आ जाएगा। अगर ये मार्च 10 तक अनाउंस नहीं हुआ, तो इसकी प्रिपरेशन मैं भी करवाऊंगा ऑनलाइन जूम के थ्रू, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा उसमें आपके आर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इवन के इंजीनियरिंग को मैथमेटिक्स भी, ठीक है। इसकी तैयारी नंबर 1 तो मैं भी इंशाल्लाह करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि या आप किसी और से कर लें, या फिर आपका टेस्ट पहले से अनाउंसमेंट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वेट करेंगे। आप जो है बुक्स को साथ साथ कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसान सा सोल्यूशन। अब अगली बात यह है कि हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं अपने चैनल की बात कर रहा हूँ, वो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें नंबर शोर नहीं होते, तो उसमें ऐड होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर डेट, हर अपडेट जो भी आती है, हम उस मतलब जो ग्रुप है उस पे अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। उसका ये फ़ायदा है कि आप जो है ना, आप जो भी न्यूज़ आती है आपको मिल जाता है, ये भी आप हमसे कर सकते हैं। अब और आपका जो एक सवाल है वो ये है कि MCQs कहाँ से लाएं, ठीक है। MCQs कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा, कुछ आप लोगों को मैं बता दूंगा, और हाँ, इससे भी मज़े की बात, ये वीडियो लेंथी मैं नहीं बनाना चाहता, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहो या चैप्टर, ये सब मैं बता दूंगा आप लोगों को कि आपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक से करनी है। तो उम्मीद है यूसेट और हेट और हंगरी स्कॉलरशिप के बारे में जो भी A to Z इन्फॉर्मेशन था वो आपको समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। प्लीज़ दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, और जो भी नया अपडेट आएगा इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।